जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई ऑडियो बुक लाता रहूंगा। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी दीक्षा, खंड 6। प्रातः विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बहुत जल्दी जगा दिया, सामान्य दिनों से भी जल्दी। स्थाणु आश्रम के ऋषियों ने उन लोगों के लिए एक बड़ी सी नौका का प्रबंध कर दिया था। गंगा की धारा में जल यात्रा करते हुए सहज ही ताड़का वन तक जा सकते थे। गुरु सिद्धाश्रम में अपने पहुंचने के समय का अनुमान भी लगा रहे थे। रात्रि के अंधकार के गहराने से पूर्व ही वे लोग सिद्धाश्रम की सीमाओं के भीतर पहुंच जाएं तो ठीक होगा, अन्यथा वह रात या तो गंगा के तट पर खुले आकाश के नीचे व्यतीत करनी पड़ेगी अथवा ताड़का वन के पेड़ों की छाया में। ये दोनों ही स्थितियां उन्हें स्वीकार्य नहीं थीं, अतः जल्दी ही चल पड़ना चाहिए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण व अपनी शिष्य मंडली के साथ घाट पर बंधी नौका के पास आए। स्थानु आश्रम के अनेक आर्ष्य उन्हें विदा करने आए थे। विश्वामित्र को उनके चेहरों पर अपने प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव स्पष्ट दिख रहे थे और उन लोगों की आंखों में जड़ीभूत एक द्वंद्व की भी वे उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे। वे आंखें आश्वस्त नहीं थीं, उनमें जैसे एक भय था, आशंका थी, कातरता थी और उन सबके मध्य आशा, विश्वास और आश्वस्तता की एक धीमी सी ज्योति भी थी। इन्हीं विरोधी भावों के कारण वे आंखें स्पष्ट और सरल नहीं लग रही थीं, अस्पष्ट, कुछ अर्जु, भ्रांत। प्रणाम अर्षिवर, आश्रम के कुलपति ने कहा, प्रभु आपको सफल करें, आर्य संस्कृति का भविष्य आपके हाथ में है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा भर दिया, कुछ कह नहीं सके। कैसे कहते, वह भी अपनी ओर से कोई स्पष्ट बात नहीं कह सकते थे। स्पष्ट बात को भविष्य ही कहेगा। उनकी आंखें आकाश की ओर उठ गईं। वह बड़ी देर तक शून्य को घूरते रहे, जैसे नीले आकाश की उदासी धीरे धीरे अपने मन में उतार रहे हों। नौका चल पड़ी। अगले ही क्षण नाविकों ने नाव को गंगा की बीच धार में डाल दिया था। प्रवाह की क्षिप्रता के साथ नौका बहती चली जा रही थी और विश्वामित्र जैसे भीतर ही भीतर उदास होते जा रहे थे। राम ने गंगा की धारा पर से आंख हटाकर गुरु को देखा। कोई भी समझ सकता था, आज गुरु के मुख पर सामान्य दिनों जैसा वह सहज उल्लास नहीं था। क्या यह संघर्ष से पहले की चिंता थी, युद्ध से पूर्व की युद्ध की माया? राम का मन जिज्ञासा से अधीर हो गया। गुरुदेव, विश्वामित्र को राम के द्वारा इस प्रकार पुकारा जाना अच्छा लगता था। राम मूलतः अर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे, इसी नाते वह उन्हें सामान्यतः अर्षिवर और अर्षि श्रेष्ठ इत्यादि संबोधनों से पुकारते थे, किंतु जब राम गुरुदेव कहकर पुकारते तो विश्वामित्र का मन कहीं आश्वस्त होता। राम का संबोधन औपचारिक नहीं है, वह शील का प्रदर्शन भी नहीं है, वह अभिनय नहीं है। राम के हृदय और जिह्वा में रजु संबंध था। गुरु स्नेह अप्लावित स्वर में बोले, वत्स राम, स्थानु आश्रम के ऋषियों और आप में एक सहज अंतर पाता हूं गुरुदेव। वे अपनी तपस्या करते हैं, युद्ध की बात नहीं सोचते। हिंसा कदाचित उनके स्वभाव में ही नहीं है, वे कितने शांत दिखते हैं। आप उनसे भिन्न हैं गुरुदेव, राम ने वही कह दिया था जो विश्वामित्र स्वयं सोच रहे थे। इस कथन ने कहीं उनके चिंतन को उकसाया था और कहीं उन्हें आहत भी किया था। बोले, मैंने भी ऐसा ही शांत वातावरण, ऐसा ही एक शांत आश्रम, तपस्या और त्याग का जीवन चाहा था, जिसमें कटता ना हो, संघर्ष ना हो, युद्ध ना हो। मैंने क्षात्र कर्म त्याग आशधर्म को अंगीकार किया, किंतु मुझे शांत रहने नहीं दिया जाता और मैं कच्छप वृत्ति स्वीकार कर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ नहीं सकता। मैं समझा नहीं अर्षिवर, राम की जिज्ञासु आंखें गुरु के मुख पर टंगी हुई थीं। विश्वामित्र के मन की पीड़ा मुख पर प्रकट हो गई। पीड़ित मन स्थिति से विकृत वाणी को संयमित करते हुए बोले, वत्स, मैं रक्त पिपासु हिंस्र जीव नहीं हूं। युद्ध किसी को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी युद्ध की, संघर्ष की, विरोध की एक आवश्यकता होती है। जिस समय न्यायप्रिय लोगों की ओर से न्याय के पक्ष को लेकर युद्ध, संघर्ष, विरोध, बाधा कुछ नहीं रहता तो अन्यायीजन का अन्याय के प्रति आग्रह बढ़ जाता है, अत्याचार में वृद्धि होने लगती है। युद्ध भी अपने समय की एक आवश्यकता होती है। इस बात से कौन विरोध करता है गुरुदेव, राम ने पूछा। इस सिद्धांत से विरोध कोई नहीं करता, किंतु वत्स, आर्यावर्त के सम्राटों की जो मनःस्थिति इस समय है उससे मुझे अत्यंत निराशा होती है। मेरे ऐसा कहने के कुछ विशेष कारण हैं, गुरु ने संक्षिप्त से विराम के पश्चात कहा।
युद्ध न तो मात्र शारीरिक शक्ति से होता है, न केवल मनोबल से। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र अनिवार्य उपकरण है, किंतु इस महत्वपूर्ण उपकरण की जितनी उपेक्षा आर्य राजा, आर्य प्रजा, आर्य सम्राट कर रहे हैं, वह अत्यंत शोचनीय है। आर्य राजाओं के पास पुत्र सिवाय खड्ग, धनुष, बाण या बीभाले के और कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। हाँ, कुछ आर्य राशियों ने अपनी तपस्या और साधना से अनेक दिव्यास्त्र अवश्य प्राप्त किए हैं, अनेक का निर्माण भी किया है। कुछ दिव्यास्त्र मेरे पास भी हैं। कहते कहते विश्वामित्र के मुख पर एक करुण मुस्कान प्रकट हो गई। किंतु मेरे लिए वे दिव्यास्त्र ही सबसे बड़ी समस्या भी बन गए हैं। वे दिव्यास्त्र मैं किसे दूं? उतावली में किसी ऐसे व्यक्ति को न दे दूं जो बाद में उनका दुरुपयोग करे। राम और लक्ष्मण अत्यंत उत्सुक भाव से आर्षि के चेहरे की ओर देख रहे थे। उनके कान आर्षि के मुख से निकला एक एक शब्द जैसे मोती के समान छुग रहे थे। ये बातें लक्ष्मण के लिए ही नहीं, राम के लिए भी कदाचित नहीं थीं। वे और अधिक जानना चाहते थे, और अधिक। आर्षि उनके मन की अवस्था समझकर मुस्कुराए, बोले, वत्स, कुछ पूछना चाहते हो? राम के हृदय का उल्लास उनकी वाणी में फूट आया। राशिवर, आप अद्भुत हैं। आपकी बातों में सम्मोहन की शक्ति है। आप पवित्र ग्रंथों की वाणी नहीं बोलते, आपकी जिहा से स्वयं जीवन का अनुभव और उसका सत्य बोलता है। गुरु मुस्कुराए, तुम कुछ पूछना चाहते हो राम? राम बोले, एक जिज्ञासा मन में आ रही है। यदि युद्ध के लिए शस्त्र तथा शस्त्र ज्ञान इतना आवश्यक है और आप जैसे ऋषियों के पास वे शस्त्र हैं भी, तो क्यों ऋषिगण राक्षसों के अत्याचारों के विकट विरोधी होते हुए भी शस्त्र धारण कर अन्याय के विरुद्ध लड़ नहीं पाते हैं? मेरी वाचालता क्षमा करें, किंतु मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैंने कभी नहीं सोची थीं। मुझे उन दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी आपके तुल्य नहीं है, फिर भी आपको अपने यज्ञ के लिए मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने स्वयं राक्षसों का संहार क्यों नहीं किया? लक्ष्मण के नेत्र बोलते हुए भैया राम के चेहरे से हटकर गुरु के चेहरे पर टिक गए। गुरु गरिमा के बंधनों को शिथिल कर उन्मक्त रूप से हंसे। पत्र प्रकृति का बड़ा विचित्र न्याय है। प्रकृति किसी एक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण शक्तियां नहीं देती। दो पक्ष हैं पुत्र, एक चिंतन और दूसरा कर्म। यह भी एक अद्भुत नियम है कि जो चिंतन करता है, जो न्याय अन्याय और सामाजिक कल्याण की बात सोचता है, उसके व्यक्तित्व का चिंतन पक्ष विकसित होता है और उसका कर्म पक्ष कहीं पीछे छूटता चला जाता है। अपने चिंतन को कर्म के रूप में परिणत करना सामान्यतः उसके लिए संभव नहीं हो पाता। उसकी कर्म शक्ति कहीं क्षीण हो जाती है, वहां केवल मस्तिष्क रह जाता है। दूसरी ओर जो न न्याय और औचित्य की बात सोचते हैं, जो न समाज और राष्ट्र की बात सोचते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते चले जाते हैं। केवल कर्म व्यक्ति को राक्षस बना देते हैं, न्याय और अन्याय का विचार मनुष्य को आर्षी बना देता है। और पुत्र, जिस मनुष्य में न्याय अन्याय का विचार और कर्म दोनों हों, ऐसे अद्भुत लोग संसार में बहुत ही कम होते हैं। जन सामान्य ऐसे ही लोगों को ईश्वर का अवतार मान लेता है। जब मुझमें कर्म था तब चिंतन नहीं था, पर आज जब चिंतन है, ध्यान है, आर्षी कहलाता हूं, कर्म की शक्ति मुझमें नहीं रह गई है, इसीलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है राम। ऋषि चुप हो गए थे, किंतु उनकी आकृति से ऐसा नहीं लगता था कि वे अपनी बात पूरी कर चुके हैं। शायद कहीं कोई असमंजस अभिशेष था। राम को विश्वामित्र जैसे आर्षि के मुख पर असमंजस कुछ विचित्र लगा, उस मुख के भावों से असंपृक्त सा। वह पुरुष जो इतना कुछ सोचता समझता है, जो ऐसा अद्भुत ज्ञानी है, जिसे सारा आर्य संसार त्रिकालज्ञ दृष्टा मानता है, उस पुरुष के मन में असमंजस, द्वंद्व। आप कुछ सोच रहे हैं गुरुदेव? राम ने पूछा। हां, विश्वामित्र उनींदे से स्वर में बोले, सोच रहा हूं पुत्र। अब अंतिम चरण है। इस पड़ाव से चलने के पश्चात हम सिद्धाश्रम में पहुंच पाएंगे। तब तुम्हें ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध करना है। पर उस युद्ध से पहले तुम्हें समर्थ बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना चाहता हूं। और उन दिव्यास्त्रों का ज्ञान देने के पहले का जो द्वंद्व है, वही मुझे सोचने को बाध्य करता है। क्या द्वंद्व है गुरुदेव? द्वंद्व एक ही है पुत्र, जो मैंने पहले कहा। तुम्हें दिव्यास्त्र देकर मैं कहीं भूल तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा ना हो कि जिस लक्ष्य के लिए मैं तुम्हें दिव्यास्त्र हूं, तुम उस लक्ष्य से भटक जाओ
और दिव्यास्त्रों का अनुचित प्रयोग करो अथवा निष्क्रिय होकर उनका नाश हो जाने दो। ऐसा कभी नहीं होगा। राम के बोलने से पहले ही लक्ष्मण कच उग्र स्वर में बोले, मेरी माता कहती हैं कि राम न अनुचित कार्य करते हैं न निष्क्रिय रहते हैं। राम निर्द्वंद्व रूप से धीरे धीरे मुस्कुराए, मैं अपनी ओर से पूर्णतः आश्वस्त हूँ, कहिए आपको मैं कैसे आश्वस्त कर सकता हूँ। विश्वामित्र बोले, पुत्र तुम्हारे वचन मात्र से मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, किंतु मैं किसी स्वार्थी जड़ अरश्य के समान बिना स्थिति स्पष्ट किए हुए तुमसे कोई वचन नहीं लेना चाहता। ऐसा ना हो कि वचन देने के पश्चात मेरा द्वंद्व तुम्हारे मन में जा विराजे। राम के मुख पर वैसी ही असमंजस रहित निर्द्वंद्र पूर्ण आत्मविश्वासी मुस्कान फिर उभरी। कैसा वचन चाहते हैं आर्षिवर? विश्वामित्र कुछ देर मौन रहकर सोचते रहे और फिर आर्षि जैसे एक सात्विक तेज के आवेश में बोले, मैं भविष्य के प्रति तुमसे आश्वासन चाहता हूं कि तुम इन दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या के सम्राट बनकर सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने का लोभ मन में नहीं लाओगे। राम जैसे उत्सुकता से विचलित होते हुए बोले, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं गुरुदेव? आर्षि बोले, अन्याय का विरोध। अन्याय चाहे तुम्हारे अपने परिवार में हो, अपने राज्य में हो, चाहे राज्य के बाहर हो, विशेष रूप से कहूंगा निष्पक्ष मौलिक मानवीय न्याय का पक्ष लेकर जीवन व्यतीत करने वाले उन आर्षियों की रक्षा जो हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक विभिन्न स्थानों पर बैठे सत्य की तपस्या कर रहे हैं। वे आर्षि तथा उनके आश्रम सर्वथा सुरक्षाहीन हैं पुत्र। जिस भी समय कोई राक्षस चाहता है उन पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर देता है, उनका मांस खा जाता है, उनकी अस्थियां चबा जाता है। यदि ये उच्चृंखल राक्षस अपनी इस क्रिया की इसी प्रकार पुनरावृत्ति करते रहे तो क्रमशः ये आर्षि समाप्त हो जाएंगे। इस देश में स्वतंत्र मौलिक चिंतन समाप्त हो जाएगा, न्याय का विचार समाप्त हो जाएगा, आचरण और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मैं इन समस्त चीजों के लिए रक्षा का वचन चाहता हूं, पर साथ ही साथ यह चेतावनी भी दे रहा हूं कि बिना सोचे समझे कोई वचन मत देना। राम उन्मुक्त मन से हंसे, बोले, आर्षिवर अपने मन के अनुरूप इस कर्म के लिए वचन देते हुए मुझे क्या सोचना है? लक्ष्मण अपने चेहरे पर उत्फुल्ल मुस्कान लिए राम के वचन का समर्थन कर रहे थे। सोचना यह है पुत्र, ये समस्त आर्षि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पक्ष की रक्षा के लिए याचना करने, निवेदन करने तुम तक नहीं आएंगे। तुम्हें स्वयं उनका शोध कर उन तक पहुंचना होगा। आदर्श शासन व्यवस्था वह है जो स्वयं नागरिक तक पहुंचकर उससे पूछती है, तुम्हें क्या कष्ट है? जिस शासन व्यवस्था में नागरिक को स्वयं परिवाद लेकर शासन तक पहुंचना पड़ता है वह आदर्श व्यवस्था नहीं होती। तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने राज्य और उसके बाहर भी आदर्श व्यवस्था स्थापित करोगे, एक राजा के रूप में भी और एक मनुष्य के रूप में भी। तुम अपना प्रासाद, अपना सिंहासन, अपना राज्य छोड़कर अकेले पदाति वन वन घूमकर गहन वनों में उन आर्षियों के आश्रमों को खोजोगे, उनकी रक्षा करोगे और उनके शत्रु राक्षसों का समूल नाश करोगे। तुम इस बात की प्रतीक्षा नहीं करोगे कि पहले राक्षस तुम्हें पीड़ित करें। तुम रुके नहीं रहोगे कि पहले रावण अयोध्या पर आक्रमण करे। तुम स्वयं अन्याय का नाश करने का प्रण करके घर से निकल पड़ोगे। गुरुदेव, राम कुछ कहने को उत्सुक हुए। आर्षि ने अपने हाथ के संकेत से निवारण किया और बोलते गए, राम जब भी कभी तुम घर छोड़ने की बात सोचोगे तुम्हारे मार्ग में बाधा स्वरूप तुम्हारे पिता होंगे, तुम्हारी माताएं होंगी, तुम्हारे भाई बंधु होंगे। यदि तुम अपने भीतर की दुर्बलताओं से लड़ भी लोगे तो ये बाहर की बाधाएं तुम्हें वन नहीं जाने देंगी। वे लोग बेड़ियों के समान तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे। क्या तुम झटका देकर अपने चरण छुड़ा सकोगे? अच्छी तरह सोच लो, यदि सैनिक अभियानों से यह कार्य संभव होता तो कोई भी सम्राट यह कार्य कर सकता था, किंतु उन दुरूह वनों में पर्वतों पर सैनिक अभियान संभव नहीं है पुत्र। वहां तो एकाकी पदाति ही जाना होगा। अपने शारीरिक बल, अपने दिव्यास्त्रों, अपने शस्त्र ज्ञान, अपने मनोबल, अपनी न्याय बुद्धि से लड़ना होगा पुत्र। और वे लोग जिनकी रक्षा की बात मैं कर रहा हूं तुम्हारे राज्य के प्रजाजन नहीं है। संभव है वे राजा के रूप में तुम्हें सम्मान न दें, संभव है उनसे तुम्हें कोई कर न मिले। इसलिए पुत्र अपना राजकीय कर्तव्य न समझकर मानवीय कर्तव्य के रूप में
किसी भी प्रतिदान की इच्छा के बिना उनके अभाव में तुम्हें कर्म करना होगा। अब सोचने के लिए जितना समय चाहो लो, सोच समझ कर अपने निर्णय की सूचना मुझे दो। राम के मन में विभिन्न दशाओं में व्याकुल टक्करें मारती ऊर्जा की क्षुब्ध चपलाओं में जैसे सामंजस्य स्थापित हो रहा था। वे एक आकार ग्रहण करती जा रही थीं। उनके भीतर का कुछ कर गुजरने का संतोष जैसे आधार पाकर उस पर टिक शांत होता जा रहा था। राम उसी प्रकार सरल मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते रहे और उसी मुस्कान के मध्य पहले से कुछ अधिक ललक के साथ बोले, अर्शिवर, कोई और चेतावनी देनी हो दे लें, कोई और कठिनाई मार्ग में आती हो तो जता दें, किसी और बाधा को इंगित कर सकते हो तो कर दें, वचन मैं उसके पश्चात ही दूंगा। विश्वामित्र हल्के मन से हंसे, बोले, राम, मुझे और कुछ नहीं कहना। सहसा राम का सहज मुस्कुराता मुख किसी आवेश से आरक्त हो गया और उनके मुख पर सात्विक तेज उद्भासित होने लगा। स्वर की गंभीरता अधिक प्रखर हो उठी। उनका स्वर जैसे किसी स्वप्न लोक में से गूंजता हुआ आ रहा था, आशीवर, मैं आपको आज यह वचन देता हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य राजभोग नहीं, न्याय का पक्ष लेकर लड़ना, अन्याय का विरोध करना, वैयक्तिक स्वार्थों का त्याग, जन कल्याण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का नाश तथा सबके हित और सुख के लिए अपने जीवन को अर्पित करना होगा। अब मेरी ऊर्जा व्यर्थ आखेट खेल खेल कर पशुओं के वध में व्यय न होकर किसी सार्थक कार्य में लगेगी। इस कार्य में मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वे स्वयं मेरे पिता, मेरी माताएं, मेरे बंधु बांधव हों। और आर्शिवर, राम का स्वर गंभीर हो गया, मेरे राज्य के विषय में न सोचें। मुझे राज्य मिलेगा इसकी संभावना अयोध्या में किसी के मन में नहीं है। सारे वार्तालाप में लक्ष्मण ने पहली बार होंठ खोले, भैया, इस वचन में मैं आपके साथ हूं। विश्वामित्र ने देखा, बाल लक्ष्मण के मुख पर क्षात्र तेज अपनी पूर्ण उग्रता में मूर्तिमान था। वे इस संघर्ष के लिए राम से भी अधिक व्यग्र दिखाई पड़ रहे थे। उनके नेत्रों में अपने भाई के लिए प्रेम और श्रद्धा के साथ साथ सम्मोहन का भी भाव था। विश्वामित्र शिथिल नहीं हुए, उन्होंने जैसे तप्त धातु पर घन प्रहार किया। राम, अंत में एक और कटु बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे वंश में पत्नी प्रेम बहुत प्रसिद्ध है, यदि तुम्हारे मार्ग में बाधा स्वरूप तुम्हारी पत्नी ही आ खड़ी हुई। भाभी, लक्ष्मण कौतुकपूर्वक हंसे। राम के सरल मुख की आभा लजाकर लाल हो गई। गुरु ठीक कह रहे थे, राम की आंखों के सम्मुख अज और दशरथ के चेहरे घूम गए। गुरु ने बड़ा कोमल किंतु सार्थक तंतु छुआ था। इस विषय में अभी मौन रहने की अनुमति में आर्शिवर, जो अभी मेरे जीवन में नहीं आई उसके विरुद्ध अभी से मन में पूर्वग्रह संचित नहीं करना चाहता, किंतु आपकी सामयिक चेतावनी निरर्थक नहीं जाएगी, इतना तो कह ही सकता हूं। लक्ष्मण का मन बात की गंभीरता से हटकर भाई के विवाह की ओर बहक गया था। वे राम के लजाए चेहरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। विश्वामित्र प्रसन्नता के मारे जोर से हंस पड़े। लगा उनके मन की सारी दुविधाएं मिट गईं और हृदय एकदम निर्मल हो उठा। वह राम को देख रहे थे। राम पत्नी की बात नहीं करना चाहते, अपने वंश के पत्नी प्रेम का प्रतिवाद उन्होंने नहीं किया, फिर भी एक प्रकार से वचन दे दिया है। विश्वामित्र की कल्पना इधर उधर नहीं भटकती, वह निर्णय ले चुके हैं। राम को वैसी पत्नी नहीं चाहिए जैसी दशरथ चाहते हैं। राम की पत्नी भिन्न होनी चाहिए, इंदुमती से भिन्न, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी से भिन्न, साधारण कन्या किंतु राजसी संस्कारों से युक्त। असमंजस शून्य स्वर में विश्वामित्र बोले, अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, अब प्रस्तुत हो जाओ। चाहता हूं जितने दिव्यास्त्र मेरे पास हैं उन सब का ज्ञान मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ होता है पुत्र, इस प्रशिक्षण के पश्चात तुम राक्षसों को मारने में पूर्णतः समर्थ होओगे। उठो राम, धनुष उठाओ। और गुरु ने पीछे की ओर गर्दन मोड़कर आदेश दिया, नाविक, नौका घाट पर लगाओ। घाट से कुछ दूर चलकर वन के भीतर खुला स्थान देखकर विश्वामित्र ने राम का प्रशिक्षण आरंभ किया। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह दिव्य और महान दंड चक्र, यह धर्म चक्र, यह काल चक्र, यह विष्णु चक्र तथा वह अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र है। राघव, यह शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, यह इंद्र का वज्रास्त्र, यह ब्रह्मा का ब्रह्मशर है, यह ऐशिकास्त्र और यह परम उत्तम ब्रह्मास्त्र है। पुत्र,
ये मोदकी और शिखरी नामक गदाएं हैं। पुरुष सिंह, ये धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश नामक उत्तम अस्त्र हैं। राम, तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। सूर्य का तेज प्रभ अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। सोम का शिशिर नामक अस्त्र और मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम लो। और महाबाहु, अब इनके प्रयोग की विधि भी सीख लो। राम जैसे एक नए चमत्कारिक लोक में आ गए थे, कैसी विचित्र बात थी। अपने शिक्षण काल में गुरु वशिष्ठ ने इन अस्त्रों की कभी चर्चा भी नहीं की थी। विश्वामित्र उन्हें वे अस्त्र दे रहे थे साक्षात। राम का मन विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा से भर उठा। पुत्र राम, विश्वामित्र पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए थे, मेरे सम्मुख बैठ जाओ और इन अस्त्रों की परिचालन विधि को ग्रहण करो। सम्मोहित से राम गुरु की महिमा से सर्वथा अभिभूत गुरु के सम्मुख बैठ गए। गुरु ने उपदेश आरंभ किया। कुकुत्स्थ नंदन, यह दंड चक्र, गुरु का उपदेश चलता रहा और राम उन्हें आंखों और कानों से पीते रहे। उनके सामने ध्यान और कर्म का सर्वथा अपरिचित अभिनव खुलता जा रहा था। वे लोग पुनः चल पड़े थे। आगे आगे विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण तथा पीछे पीछे शिष्यों की मंडली। वन पर्याप्त गहन था। दीर्घाकार, ऊंचे तथा घने वृक्ष और उन पर छाई हुई लताएं, जैसे वृक्षों में रस्सियां बांध झूले डाले गए हों। सूर्यास्त का समय था। प्रकाश क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और अंधकार क्षण क्षण बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में किसी वन्य पशु का स्वर वायु में तैर जाता था। विश्वामित्र अत्यधिक सचेत लग रहे थे। उनके नेत्र दृष्टि में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बड़ी सावधानी से परख रहे थे। कान प्रत्येक ध्वनि का विश्लेषण कर रहे थे। तापस मंडली अवश्य कुछ भयभीत थी। ताड़का वन का आतंक उन पर छाता जा रहा था। उनका भय से पीला पड़ता हुआ मुख देखकर कोई भी कह सकता था कि यदि वे गुरु की आज्ञा के अधीन न होते, यदि उनका अपना वश चलता, तो वे लोग इस समय कदापि वन में प्रवेश न करते। किंतु गुरु की आज्ञा। राम एवं लक्ष्मण अत्यंत सहज भाव से निशंक गुरु के साथ बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे वह ताड़का वन न होकर अयोध्या का राजमार्ग हो। राम के मुख पर एक सहज हास था। उनका मुख उस बालक का सा सरल था जिसका भय से अभी परिचय भी नहीं हुआ, और लक्ष्मण तो मुग्ध भाव से वन की शोभा देखते हुए बढ़ रहे थे। ऐसा घना वन उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था। अयोध्या के आसपास तो ऐसा वन एक भी नहीं था। राक्षसों की कोई चिंता उन्हें हो ऐसा नहीं लगता था। सहसा विश्वामित्र की संपूर्ण सचेत ज्ञानेन्द्रियां जैसे किसी अदृश्य बिंब पर केंद्रित हो गईं। वह शून्य में से जैसे किसी स्वर को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, और अपने इसी प्रयल के बीच वह बोले, राम, प्रायः इसी समय राक्षस लोग अपनी बस्ती से वन में निकल पड़ते हैं। ताड़का के भ्रमण का तो यही प्रिय समय है। अनेक अस्पष्ट शब्दों से मुझे ऐसा कुछ आभास मिल रहा है पुत्र, कि ताड़का इधर आ रही है। यदि इस प्रकार भ्रमण करती हुई निःशस्त्र ताड़का हमें दिखाई पड़ जाए तो यह अत्यंत शुभ होगा। यदि मेरा अनुमान ठीक हुआ तो थोड़ी ही देर में हम ताड़का के आमने सामने होंगे। राम, तब के लिए दो एक बातें कहना चाहता हूँ। यह न हो कि ताड़का को सम्मुख देखकर तुम इस धर्म संकट में पड़ जाओ कि वह निःशस्त्र है। रघुनंदन, क्षत्रियों के युद्ध के नियम केवल उन क्षत्रियों के साथ युद्ध के लिए हैं जो उन नियमों की मर्यादा मानकर युद्ध करते हैं। ये राक्षस युद्ध के उन नियमों को एकदम नहीं मानते, अतः उन नियमों का विचार मत करना। यदि तुम नियमाधीन धर्म युद्ध करना चाहोगे तो वह संभव नहीं होगा। और विश्वामित्र ने रुक कर राम को देखा और तात, यह बात भी मन में मत लाना कि वह स्त्री है और क्षत्रिय होकर स्त्री का वध करना तुम्हारे धर्मोचित नहीं है। ऐसे नियमों के पीछे प्रायः धर्म बुद्धि कार्य करती है, किंतु इस समय ऐसे नियमों का विचार सर्वथा अधर्म होगा। इस समय तुम्हारा मात्र एक धर्म है, राक्षस वध। राम बड़े स्थिर भाव से धर्म की इस नई व्याख्या को सुन रहे थे। लक्ष्मण के मन में पर्याप्त उथल पुथल मची हुई थी। उनके मन में विवाद की बात उठ रही थी। वे विश्वामित्र का प्रतिवाद करना चाहते थे पर बड़े भाई की ओर देखकर चुप थे। राम का गांभीर्य उन्हें सदा ही आश्चर्यचकित कर देता था। प्रत्येक नई बात को राम कितनी सहजता से सुनते और तौलते थे। प्रतिवाद करना होता तो सब कुछ तौल परख करने के बाद करते, और लक्ष्मण के मन में तुरंत खलबली मच जाती थी। भीतर से जैसे कोई बार बार उन्हें ठेलता, उत्तर दो, उत्तर दो।
पर इस समय लक्ष्मण भी कुछ नहीं बोल सके। राम ने गुरु की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। आश्वस्त रहें गुरुदेव, धर्म का मर्म अत्याचार का विरोध करने में है, वही मैं करूंगा। शेष बातें तो आडंबर मात्र हैं। विश्वामित्र का ध्यान पहले ही दूसरी ओर जा चुका था। राम और लक्ष्मण ने भी उधर देखा। सामने गहन वृक्षों के पीछे से किसी के आने की आहट थी। आने वाले अनेक लोग थे। उनके पगों की आहट से लगता था कि वे बड़ी मौज में टहल रहे हैं। उनके शरीर विराट थे, वर्ण काला था, चाल भद्दी थी। दूसरे ही क्षण वे लोग वृक्षों से बाहर निकल आए थे। यही ताड़का है राम, विश्वामित्र ने संकेत किया, जो स्त्री सबसे आगे है। राम ने पेड़ों की ओट से निकल आई ताड़का को आमने सामने देखा। उसका रंग सर्वथा काला था। लंबे ऊंचे तथा स्थूल आर्य पुरुष से भी उसका आकार विशाल था। काफी फूहड़ ढंग से हंसते हुए उसके भद्दे तथा बड़े आगे की ओर बढ़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। उसके गले में मानवीय मुंडों की माला थी। उसके साथ चार पुरुष और थे, किंतु उनमें से कोई भी ताड़का के आकार का नहीं था। ताड़का का आकार राक्षसों में भी असाधारण था। ताड़का ने भी इन लोगों को देखा। उसकी दृष्टि आर्षी विश्वामित्र पर ठहर गई। उसने अपने साथियों की ओर देखकर उपहास पूर्वक कुछ कहा और वे सब अत्यंत अशिष्ट ढंग से हंसने लगे। ताड़का ने फिर विश्वामित्र की ओर देखा और दांत दिखाकर जैसे चिढ़ाते हुए बोली, गुरु। सहसा उसका चेहरा अत्यंत विकृत हो उठा। उसने राम तथा लक्ष्मण के हाथों में धनुष देख लिए थे। शस्त्रधारी, वह बोली और उसकी आंखें रक्तिम हो उठी। उसने अपना घूंसा प्रहार की मुद्रा में ताना और आघात करने के लिए उनकी ओर झपटी। उसके साथ ही अपने स्थान पर खड़े सर्वथा चिंता शून्य भद्दे ढंग से हो हो कर हंसते रहे। राम, इसे मारो, विश्वामित्र ने निष्कंप वाणी में आदेश दिया। ताड़का भयंकर शब्द उत्पन्न करती हुई अपनी उम्र चेष्टाओं से धूल मिट्टी पत्थर वृक्षों की शाखाएं पत्ते उड़ाती हुई उन पर आंधी तूफान के समान झपटती चली आ रही थी। और राम ने क्षण भर में अपना धनुष साध लिया। उन्होंने जैसे किसी पूर्व निर्णय के अनुसार गुरु विश्वामित्र द्वारा दिया हुआ कालचक्र नामक दिव्यास्त्र धनुष पर धारण किया और गोह चर्म के दस्तानों से सज्जित अपनी उंगलियों से धनुष की प्रत्यंचा कानों तक खींच ली। ताड़का बिना रुके अपनी उसी गति से झपटती चली आ रही थी। राम की उंगलियों ने प्रत्यंचा छोड़ दी। कालचक्र प्रतिरोध विहीन वायु वेग से बढ़ता हुआ ताड़का के वक्ष में जा ढंसा। ताड़का ने कर्ण भेदी चीत्कार किया और अपने ही वेग में अपने स्थान से ऊपर उछली। अपने सिर के ऊपर के वृक्षों की शाखाओं से रगड़ खाता हुआ किसी टूटे हुए शैल श्रृंग के समान उसका स्थूल शरीर थम से भूमि पर आ पड़ा। उसने मुख से रक्त वमन किया और अपना सिर पृथ्वी पर टेक दिया। राक्षसों की हो हो सहसा ऐसे थम गई जैसे उनके हृदय की गति कहीं डूब गई हो। वे लोग अब तक बड़े कौतुक से भरे हुए निश्चिंत होकर किसी भी प्रकार के जोखिम की संभावनाओं की ओर से आंखें मूंदे ताड़का खिलवाड़ देख रहे थे और कदाचित राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र की मृत्यु को निश्चित मान चुके थे। किंतु ताड़का को इस प्रकार धरती पर गिरते हुए देख वे स्तब्ध रह गए थे। इतनी आकस्मिक अनपेक्षित घटना उनके जीवन में जैसे पहले कभी नहीं घटी थी। उन्होंने पीड़ा मिश्रित भय तथा अत्यंत आश्चर्य में भरकर राम की ओर देखा। ऐसा रूप, ऐसा शौर्य, ऐसी शस्त्र दक्षता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे वहां रुक नहीं पाए। ताड़का के शरीर को वहीं पड़ा छोड़कर वे उल्टे पैरों घने वृक्षों के पीछे विलीन हो गए। लक्ष्मण का अट्टहास दूर तक उनका पीछा करता चला गया। तापस मंडली का भय राक्षसों के पलायन के साथ ही भाग गया था और राम ऐसे सहज भाव से खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऐड करें।